दुनिया डूब रही है, कोई साहिल लाओ, इतने मसले हैं, किसी एक का तो हल लाओ जिससे एसी को चलाने में दुश्वारी ना हो। ऐसा टैरिफ कोई बिजली का आजकल लाओ। गर्मी है कि कहर बरसा रही, फिर भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो नंबरदार चौधरी लग रहे हैं सर आप। अच्छा, यह जा चौधरी अपने परछावे तो डर के बुखार चढ़ा लेने। इस तरह से चौधरी वाजे वाले कह रहे होंगे कि पैसे अद्धे अद्धे होने। एहो जे चौरी पकौड़े खान लगन ना ते चटनी ना मिले ते सैनिटाइजर ना भी पकौड़े खा लेंगे। इस तरह दे चौधरी दूल्हे दे बाप नू कह रहे होंदे ने कि पैन मैं तैनू नागन डांस करके विखाव। अगे दूल्हे दा प्यो कह रहा बह जाडा तू अमर लिया कर। असल में ना ऐसे चौधरी गुस्से वाले होते हैं, विआह ते रोटी ना मिले ते देगा जी मिट्टी पा के दौड़ जाते। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, मियां नवीद अली। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मनाहिल तारिक। वेलकम टू द शो जी। मैं हमेशा शेर पढ़ता हूँ जी मेहमानों के लिए, लेकिन आज मेरा शेर नहीं है सर, एक सवाल है। मियाँ साहब के ये दिन कैसे गुजरते हैं हमें भी कुछ बताएं। पीडीएम फीती फीती करने वाले कौन थे ये भी बताएं। बताएं अपने हलके का भी कोई काम करते हैं या घर के सामने मंजी डा के वेले बैठे रहते हैं। शेर नहीं है, जवाब मैं आपको शेर में देता सर प्लीज। नित रोज दे वाह वरेलिया नाल, इंज रोज हनेरिया घुलदिया नहीं, वेले औखड़े सौखड़े लंघ जांदे, गल्लां याद रहदियां सज्जण भुलदे नहीं। खुले जेड़े मूह सन इत्थे, खुले जेड़े खुले जेड़े मूह सन इत्थे, हौली हौली बीड़े गए ने, बीड़े गए ने, खुले जेड़े मूह सन इत्थे, हौली हौली बीड़े गए ने, पी टी आई दा वेलन चलिया गन्ने वांगू पीड़े गए। क्या बात। सदियों बाद जो अरमान जागे थे एक पल में सोए हैं। अरे बाबा, अरे बाबा। जितनी जल्दी वो मिले थे उतनी जल्दी ही वो खोए हैं। एक बात हमें सच बता दे नवीद भाई, पीडीएम के जलसों को याद करके कभी रोए हैं? नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं रोए। अच्छा नवीद साहब, अपनायत का एहसास हुआ ही नहीं था शुरू से? देखें वास्ते बात ये है, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो हर बंदे का अपना एक माइंडसेट होता है, तो ठीक है अगर उनका माइंडसेट नहीं चला या व्हाटएवर जो भी है, तो वो है ना वो जिनकी फितरत में वो डसना उडसा करते हैं। अच्छा, तो बस वो तो आप बात जो है वो एकदम डसने डसाने तक पहुंच चुकी हुई है। देखिए जब आप मुल्क को पीछे करके अपने मुफाद को आगे लेके आएंगे ना, तो मुफाद परस्त आदमी कुछ भी कर सकता है। वो भी यही कहते हैं। ये सबको इस चीज का पता है कि कौन मुफाद परस्त है कौन नहीं है। वो तो कहते हम तो आज भी अपने लीडर मियां नवाज शरीफ के बयाने के साथ खड़े। सर आप कहते हैं मुफाद आगे लेके आए, वो कहते हैं मियां साहब को आगे लेके आए। मियां साहब को जब डॉक्टर उनकी इजाजत देंगे वो आ जाएंगे। वो कहते हैं जब हमारे डॉक्टर इजाजत देंगे तो हम इस्तीफे भी दे देंगे। वो इस्तीफे देना या ना देना उनका अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम अपनी पार्टी के बाउंड है, हमें जब कहेंगे हम। बात तो वहीं पे आ गई ना, यानी कि सारी की सारी दोस्ती जो थी वो धरी की धरी रह गई। इतने जलसे, इतने कोरोना फैलाया, कोई फायदा ना हुआ। कोरोना तो खैर एक आप लोगों के जलसे में नहीं हुआ करता था, इंटरनेशनल लेवल का है, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। आमीन। बाकी एसओपी जो है कोरोना के हर बंदे को फॉलो करने चाहिए, लेकिन अब इसमें जो आप पीडीएम की जो बात कर रहे हैं ये एक सिंपल फिनोमिना है, नई एक चीज उनको पसंद आई तो ठीक है वो लायदा हो गया। सर पीडीएम तो ताडे वास्ते मिनी कोरोना साबित है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून कल भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी। मासूमाना सवाल साहब जी, मेरा एक इलेक्शन दोबारा आया और नून लीग जीत गई, लेकिन मियां साहब की तबीयत ठीक ना हुई,
फिर भी नहीं आएंगे कि आ जाएंगे? देखिए जी, हाँ अगर ठीक हुई तो बिल्कुल नहीं आएंगे, पार्टी में बाकी काफी कदावर शख्सियत बैठे। मैंने सुना है जब कोई बंदा जीत जाता है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन ना देखिए, हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि हमने तबीयत का या हमें बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। देखिए बात बड़ी क्लियर सी है, आप कोई जरूरत नहीं अभी आने की, अपना इलाज उलाज कराएं और भी करने दें, हुकूमत 2 साल रह गए। नहीं, हम तो चाहते हैं करें, वो तो तरले ले रहे हैं, उनको लेके आने वाले भी, वो खुद भी की जान छूटे हमारी। आप लोग राजी हैं, खुश हैं सब तब्दीली? हम लोग हाँ जी, चलो शुक्रिया। सर मैं नहीं। हाँ जी मनाइल, आप कुछ कहना चाह रही, मुझे लगता है। नहीं नहीं, आप इस तब्दीली से कैसे खुश हैं आप बताएं ना। हम इस तब्दीली से कैसे खुश हैं, जैसे हम पहली वालियों से थे। नहीं मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि हमेशा तब्दीली ऐसी ही आती है ना, ये वाली भी ऐसी आई थी, वो वाली भी ऐसी आई, तो फिर कुछ है। मैं बड़ी हुई थी तो तब नवाज शरीफ का दौर था, ठीक है। आप जब बड़ी हो रही थी, नवाज शरीफ का दौर था, ठीक है, अच्छा गुजरा। उसके बाद मैं तो बड़ी हुई तो एकदम अजीब सी तब्दीली आ गई। आप बड़ी क्यों हुई, सारा मसला इसके अंदर था। आप जैसे ही बड़ी हुई है काम खराब हो गया। नहीं नहीं, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इमरान साहब आ गए ना। इमरान साहब ने क्या मसला क्रिएट किया? इतनी तब्दीली आई है, कोरोना भी आ गया उनके साथ, फिर मतलब उनके साथ आ गया। अमेरिका के नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत उठे भी आ। नहीं नहीं, मतलब पाकिस्तान में तो अब ज्यादा हो रहा है ना, मगर तो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। नहीं नहीं, पूरी दुनिया में पहले हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में वायरस अब ज्यादा फैल रहा है। वो कैसे, उसमें इमरान खान साहब का क्या कमाल है? ये हो सकता है इमरान खान साहब ने वायरस के डब्बे तो ढक्कन चोकता जी। मगर ये आपको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर भी वायरस फैला है, वहां इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं है, तो वहां पे क्यों हो गया? वहाँ भी कोई इस तरह की तब्दीली आई होगी ना, जहाँ पे भी वैसे lack of administration है वहाँ पे ये चीज़ हुई है। हाँ तो इससे इमरान खान साहब का ताल्लुक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इस टाइम? वो जो आपके हाँ शादी पे आए थे। कौन? इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया में तो वो है ना, मैं तो इंडिया की बात तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ पे खराब एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ पे यही हाल हुआ है। नरेंद्र वहाँ पे मोदी है, यहाँ पे इमरान खान है। बात तो एक ही है, अब नरेंद्र मोदी और इमरान खान एक साथ। अच्छा मैं वैसे आज बड़ा हैरान हूँ आपको देख के, आप बड़ा डिफेंड कर रहे हैं आज। नहीं क्योंकि आप दोनों हैं, वो एक उस पे हैं, तो देखे अब किसी को तो करना पड़ेगा ना। देखे बताऊँ बात क्या होती है, इलेक्शन तो नहीं कंटेस्ट अगली दफा के? नहीं मैं तो नून लीग की टिकट पे करूंगा, जीतते तो आप लोग ही हैं। अच्छा काम किए तब जीतते हैं, नहीं तो इसलिए तो मैं तो वैसे देखे जो हकीकत है ना, आपकी बाय रोड ट्रैवलिंग है टुवर्ड्स साउथ जी, बिल्कुल मोटरवे पे आपने ट्रैवल किए, बिल्कुल कैसा फील किया आपने? बड़ा अच्छा, FW वालों ने बड़ा जबरदस्त काम किया। ये प्रोजेक्ट था किसका? FW नहीं, FW ने तो बनाया है ना जी, इसके पीछे माइंडसेट किसका था? ये CPAC के अंदर आया? नहीं सर नहीं। अच्छा CPAC किस दौर में आया? मैं नहीं मोटरवे लाके जान दे रहा हूं। CPAC किस दौर में शुरू हुआ? देखिए नवीद भाई बात ये है कि वो जमाने अब गए जब 90s में आप लोग कहते थे कि मोटरवे हमने बनाई, वो आप लोगों ने एक जमाने में, अब ना हम हो गए बड़े तो अब हमें आ गई समझ कि पीछे बनाता कौन है और करता कौन है। CPAC ऐसी चीज है, जरदारी साहब के दौर में भी हुई, आप लोगों के दौर में भी हुई, इमरान खान साहब के दौर में भी हुई। सो आई पर्सनली इन माई हम्बल ओपिनियन थिंक दैट नन ऑफ यू गाइज कैन टेक द सोल क्रेडिट फॉर दीज मोटरवेज। अच्छा चले, आई टोटली अग्री विद यू। फिर आप मुझे सिर्फ एक पॉइंट का जवाब दे दे, जहां पे हम छोड़ के गए थे वहां ब्रेक क्यों लगी है, उससे आगे एक इंच भी कोई बना है मुझे आप बता दें? लाने वाले भी वही है, बनाने वाले भी वही है, माइंडसेट भी वही है, वो काम किधर गया है? सखर हैदराबाद मोटरवे भी अब बन रही है। अच्छा ठीक है, आपको ही पता होगा सर, ठीक हो गया। ठीक है, आपकी गिलगित की तरफ भी बन रही है। अच्छा अब मुझे बताएं कि इसमें ऐसा क्या है सर? हर चीज रही है, हुआ क्या है? तो रही है, करेंगे, कर रहे हैं, हो जाएगा, अल्लाह वारिस, सुकून कब्र में है क्या? सर पीटी आप उसे इख्तलाफ करते हैं? हम ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करें। अच्छा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहां पे हम इस मुल्क को ले आए हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अलमिया ये नहीं है, अलमिया ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम अपने 2.5-3 साल कारकर्दगी से मुतमईन है। ज्यादा रोना इस बात का है कि हम पछता भी रहे कि हम गलत कर बैठे हैं, हम गलत लेके जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की नवीद, कि आप 2.5-3 साल कारकर्दगी से मुतमईन है, किसकी, अपनी या पीटीआई वाली? जो PM की स्टेटमेंट है मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो उसने दी है कि मैं अपनी 2.5 साल कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, यानी अगर इस कारकर्दगी से मुतमईन है तो मुल्क का आगे फिर 2 सालों में अल्लाह ही हाफिज़ है, मुल्क में अल्लाह करे वैसे सुकून कब्र में ही है। वो कहते हैं सुकून कब्र में है, आप लोग आगे से दिखाने के सुकून जो है वो इंग्लैंड के अंदर है। तो ये 2 सुकून में से अब पाकिस्तानी को कौन सा नसीब? हमारे इंग्लैंड में बैठने से आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखें बड़ा मल्टी डायमेंशनल किस्म का क्वेश्चन है, या तो हम सारों को भी इंग्लैंड लेके जाएं, ठीक है? अब सिर्फ मियां साहब की बीमारी की बात नहीं हो रही इस वक्त यहाँ पे, इंग्लैंड शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ अस, 220 मिलियन पाकिस्तानीज, ठीक है जी। अब मैं उस बात में नहीं जाऊंगा कि आपने कोई अस्पताल ना बनाया कि यहाँ पे इलाज हो सकता है, वो जुमले आप लोगों ने मेरे ज्यादा सुने हुए हैं, ठीक है? सो आई एम नॉट गोना गो देयर। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि सर यहाँ पे आके जब एक होते हैं क्लेम्स होना,
एक होता है स्वीपिंग क्लेम्स होना। मैं ना पर्सनली स्वीपिंग क्लेम्स के बड़ा खिलाफ हूँ, जिसकी जो चीज़ है वो उसको करने दें या उसको वो क्लेम करें। अब एक बिल्कुल ही आगे कर देना कि सब ने इतने पट्ठा बैठाया, उन्होंने पट्ठा बैठाया, पट्ठा जो बैठा है वो आपको ही पता है और मुझे पता है क्यों बैठा हुआ है। रही बात आपकी मेरी बहन, कि आप जो कह रही थी कि कोरोना इमरान खान साहब लाए, इमरान खान साहब का कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, हिंदुस्तान हमसे बड़ी इकोनॉमी, हमसे बड़ा मुल्क, बहुत बड़ा वो, ठीक है, वो भी इसी उसमें बैठे हुए थे। पहली वेव जो थी वो यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका के अंदर आई, ठीक है, दूसरी वेव भी वहीं पर आई, तीसरी वेव में हम लोगों का दादो शुमार एंड नॉट जस्ट आर्स इंडियाज एज वेल, उनके भी गलत हुए, उनकी भी कैलकुलेशन गलत हुई। इसके अंदर अब एक बहुत से मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि उसमें भी निकल जाते हैं, मगर वही बात है कि अब ये एक वो चीज़ से आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकती कि इमरान खान के आने से कोरोना आया। आप मुझे कहें इमरान खान के आने से महंगाई आई, मैं कहूँगा हाँ, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही है, महंगाई आई, जो प्रोग्राम साइन अप किए उनके साथ ही महंगाई आनी थी। अच्छा, अब ये अलग बात है कि इन लोगों ने वो प्रोग्राम साइन अप नहीं की क्योंकि इनको ही पता था कि महंगाई आनी थी, मगर ये बड़े चलाक हैं क्योंकि इनकी तीन तीन बारियां हो चुकी हुई हैं तो ये साइन अप नहीं करते हैं। ये आपको पता है बात कि ये इनके वक्त होता IMF से प्रोग्राम साइन तो यही होना था हमारे साथ। आप ये कहें कि ये इस वजह से ये हो गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रीजन एज वेल दैट वाई इज इट हैपनिंग। आप मुझे कहें किसी और जगह के एडमिनिस्ट्रेटिव आपने क्रिटिसिज्म नहीं किया, वो इनको पता है, ये क्योंकि जाहिर बात है ऑन ग्राउंड सियासतदान है तो इनको ये पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिटिसिज्म क्या हो रहा होता है। और रही बात आपकी कि मैं आज उनको डिफेंड बड़ा कर रहा हूँ, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही गालियाँ खाता रहता हूँ उस चक्कर में, कभी मैं PTI का बन जाता हूँ, कभी मुझे नून लीग का कहना शुरू कर देते हैं, कभी बीच में हल्का सा तड़का पीपल्स पार्टी का भी लगाते हैं लोग, आप भी पीपल्स पार्टी, कभी मुझे कहते हैं कि लिफाफा भिजवा दिया, मैं कहा ख्वाहिश रहेगी लिफाफा भिजवा दिया, किसी ने आज तक खत भी ना लिख के भेजा लिफाफे के अंदर, हमारी बारी आई तो प्लास्टिक पे बैन लग गया। तो ये एक वजह है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि मॉडलिंग मैंने का ख्याल कैसे आया? क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, खुद को देख आया। अच्छा, ये और ये सब बस आपको अपनी हाइट को देख के अंदाजा हुआ कि आपको मॉडल होना चाहिए? या फ्रेंड्स कहते थे कि आपको करना चाहिए। शौक नहीं था लेकिन आपने? नहीं, पहले नहीं था बिल्कुल भी, फ्रेंड्स ने कहना शुरू किया कि कोई बैंड करो, ये करो, वो करो। अच्छा, मैंने स्टार्ट, तो आपने फ्रेंड्स से कहने पे स्टार्ट कर दिया? या उसके बाद शौक भी हो गया। उसके बाद शौक भी हो गया आपको? और उसके अलावा आपको कोई एक्टिंग वगैरह का शौक भी है या नहीं? अभी स्टिल अभी फ्रेंड्स ने नहीं कहा। फ्रेंड्स के कहने के इंतजार में है। मतलब मैंने भी सोचा कि यार मुझे करनी चाहिए, कहते हैं कि तुम्हारी लुक्स हैं, हाइट है, तुम करो। ये भी फ्रेंड्स कहते हैं कि आपके लुक्स हैं और हाइट? कहते थे, अब उन्होंने कहना बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि मुझे मतलब थोड़ा टाइम और देना चाहिए मॉडलिंग में, उसके बाद मैंने एक्टिंग में आना। अच्छा, मगर आपके प्लान में है ये? जी जी जी। कि आप एक्टिंग भी करेंगी? जी, जी, जी। और ये फ्रेंड्स कौन हैं आपकी जो ये कहती हैं? यूनी फ्रेंड्स थी। कोई नाम उनके होंगे? रुशदा, सिद्रा, सोबिया और शीजा। दो चार नहीं थी, बहुत सी थी। अच्छा, ये चार फ्रेंड्स जो है आपकी कोर कमेटी होगी जिनकी आप सुनती होंगी बहुत ज्यादा, कि अब अगला लायमल हमारा ये होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था? इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ था इसके अंदर? कुछ भी समझ सर क्या कहेंगे आप नवीद भाई सर? उनकी फील्ड अपनी है। जे तुसी जाना ते मैं तुहानू छड्डन आ। देखिए, हर बंदे का अपना एक माइंडसेट है। अगर ठीक है, उन्होंने अपने फ्रेंड्स की उस पे मशवरा किया है, अब आगे वो अपना थोड़ा सा नहीं, मगर ये आपको लग रहा है कि फ्रेंड्स का एक बड़ा मशवरती ग्रुप है, इन्फ्लुएंस है, मैं अकेला नहीं जिनको ये लग रहा हूं, देखो उनको फील हो रहा है कि ये फ्रेंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार फ्रेंड्स जो है, सिद्रा, सोबिया वगैरह, तो सब इंपॉर्टेंट ही होते हैं ना। हाँ, नहीं मगर ये वाली बहुत है, इतना मेरे भी दोस्त कई बार कहते हैं, मगर मैं नहीं मानता। मैंने आपको बता दिए जिनके नाम अब तक, मतलब अब तो भूल भी गए हैं काफी के। नहीं, इतने इतने ज्यादा दोस्त थे ना, अब थोड़े जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनके नाम याद है मैं। ठीक है, हाँ, मतलब इतने ज्यादा लोगों को क्या याद रखना। बिल्कुल सही, मिट्टी डालन पे। आप ये बताएं, आपके कोई ऐसे हैं दोस्त जिन्होंने आपको कहा हो कि चलो पॉलिटिक्स में चले जाओ, तो आप पॉलिटिक्स में आ गए? नहीं, पॉलिटिक्स में मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी मैं आऊं। आप तो फिर यानी कि फैमिली प्रेशर की वजह से आए हैं बीच में? मेरी ख्वाहिश थी पायलट बनना। अच्छा, तो लेकिन वो क्योंकि फिर अकेला अकेला हूँ, तो उनकी ख्वाहिश थी कि ये पॉलिटिक्स में आए, वो अपने इलाके में एक कुछ करना चाहते थे पॉलिटिकली, यानी अपना एक नाम सारा चाहते थे कि मेरी पहचान हो। सर, लेकिन पायलट वाली ख्वाहिश तो पूरी हो सकती है, नून लीग छोड़ो जहांगीर दीन साहब को चले जाओ। अल्लाह एदा दा पायलट ना बनावे मैनू, जेड़े उहदे जहाज बैठे सी आज जो भी
मगर कभी होता है कि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप हसरत भरी निगाहों से मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि यार मैं किस तरीके कॉकपिट में पहुंच जाऊं, और मेरे मोबाइल में तकरीबन साइमुलेटर्स गेम जितने भी हैं तकरीबन फ्लाइंग गेम भी है। पायलट बनने का इन्हें इतना शौक है कि घर के मुलाजमान कह रहे हैं ओए उस को बुलाओ। सुबह किशोर में नामों की फरावानी में अभी ट्विस्ट कहां आया है कहानी में, वो रहना चाहते हैं सिर्फ हुक्मरानी में, बड़े खलल ना असासों की फरावानी में, जमहूरियत के बने फिरते हैं वो रूहे रवा कि जिनके नाम है फहरिस्त बदनवानी में, दसो यार आ। I'm good, how are you? You know, I realized that ke baaz ukaat bande ji kismat ch hi vatte hunde ne. Acha. Kai log mitti nu hath paunde ne te sona ho janda. Ha. Kai log sone nu hath paunde ne te mitti. Mitti. Ye samjho main mitti. Acha. Un malle de vich na ji ek banda mainu kehnda hai mere kolon fake perfume banan da formula hai ga. Ha. Puraniyan botlaan kassiyan karke na perfume diyan. असि उस अपना परफ्यूम पा के ओरी अच्छी पैकिंग करके तो मार्केट बेचने 500% प्रॉफिट है। वह मैं शीशियाँ कच्चिया करके वो एक पेटी चुकी है, एक दुकान से विक गई उस मैं 3,000 रुपया बचा। अच्छा। दूजी दुकान से दिता उ भी मैं 3,000 रुपया बचा। तीसरी दुकान से फरिया गया। अच्छा। उन्होंने मेरिया पेटियां भी रख दी, फांता भी चार है। ते उतों जिदे कोल मैं माल चुकिया, वह कहना साढ़े 12,000 दे नहीं तो तेरे परचा करावांगे। मैं उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट किया, मेरे को गलती हो गई, हूँ 12,000 हो गए तो जान छुट्टी नहीं, तो मैं कल जेल चला जा। आई डोंट वांट टू गो टू द जेल, उसे मच्छर बड़ा होंगे। कोई बात नहीं, चल फैमिली से चल जाएगा जाके। नहीं कुछ भी पुलिस है, मैंने जेल जान तो बिठा दी, मैंने कि गर्मियां है नहीं उसे पक्का भी नहीं होंगे। तो इस तरह अगर 6,000 रुपया ला ला तो थाने चला जा, मैं तुम्हें वापस कर देंगा। पक्की गल आई रियली तुम मेरे एग्रीमेंट मेरे को लिखा लो। कि साल च कर 3 महीने मैं तुम्हें वापस। वाह एड्डी जल्दी। हाँ मेरे को तो नहीं है मैं 2,000 रुपया भी देवो तो मेरी जिंदगी बच सकती है। ये गलां च ना आना क्यों ये इन आदतें पई ने पीटीआई वाली। मैं 2 साल पहले प्रोग्राम च आया से उदो भी मंगन डिया से हूँ भी मंगन डिया। 2.5 साल हो गए पीटीआई नू मंगी जांदी ते मैं 2 साल तो 6 महीने जूनियर हाँ। मैं उन्हें सर मंगन का तुम कोई फायदा नहीं, देने वाले तो इंग्लैंड चले गए। जिते भी हो अल्लाह उन्होंने अपनी पनाह च रखे। जो उन्होंने दौर से मैं कभी किसी को मंगया नहीं सी। नवाज शरीफ का जमाना सोच सोच के मैनू रोना आता। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो भी गया उन्होंने मैं 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपये दिता है। अच्छा जी पीटीआई दे नहीं नून लीग। ओह आई लव नून लीग। नवाज शरीफ साहब के जवाने है ने। अच्छा। आज पता लग जाएगा किन्ने के जवाने ने। अच्छा। ओ वोटां पाओ वोटां पाओ ओ वोटां पा के ते मियां साहब नु बुलाओ मियां दे नारे बच्चे ने अगले 10 साल बाद फिर नून लीग आएगी। ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। माफ करना सर 2 महीने कटा लो। नहीं 23 इलेक्शन होने 5 साल बाद फिर 38 होने ठीक है फिर आ जाएंगे। अच्छा दुआवां तुहाडे नाल। थैंक यू एनी वे तुसी मेरी जिंदगी बचाई है। अल्लाह पाक मियां साहब नूं सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। ओ वोटां पाओ। चलो रहने दे। सहेलियां भी कहती होंगी कि शादी कब कर रही हैं,
क्या जैना कभी सोचा होगा इस बारे में? अभी तो नहीं सोचा। चलो अभी तो नहीं सोचा, अभी तो काम करना आपने। हाँ, हाँ, अभी तो करना। तो कभी आइडियल भी तो होता ना जिंदगी में के सामने बैठा हो, बड़े प्यार हो। मसलन के वैसे मैं कह रहा हूँ देखो ना सियासतदान ने समय कहने का नहीं, मैं वैसे एक आइडियल होता ना कि कैसा शख्स आपकी जिंदगी में होना चाहिए जिसे आप अपनी जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। बताऊँ कि कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडसम हो, ठीक है, मैच्योर हो, और उसके बाद अच्छा हो। तो ये सारी खूबियां तो हैं इधर एक शख्स। अब आप बोले 6.5 फुट का कद दो। हाँ, कद मेरे से लंबा हो। आपकी हाइट कितनी है? 5'8" आपकी अपनी हाइट है, इसलिए वो 6.5 फुट की डिमांड है। थोड़ी डिमांड खत्म करने वास्ते मैंने हाइट का मशवरा दिता है। इंजन जो रहे थी ना वो हाइट तो बाद थले हो जाते सर। इन गलों तो पीटीए है ये तुम्हें पता है सर। लेकिन इधर तो कोई इतनी हाइट वाला है नहीं, जैसे हम ऑन के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं ना। अच्छा, माशाल्लाह अभी हिट होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अभी हुआ नहीं है? नहीं नहीं, हो गया माशाल्लाह, बड़ा है। एडवांस इसका अबू ले लेते हैं, बाकी हिट है। बच्चा खर्च ना ले बस इस वजह से। नहीं नहीं, तो आप ढूंढे फिर उनका। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, आप भी सिंगल हैं, वो भी सिंगल हैं, शादी तो मेरी भी नहीं हुई लेकिन हाइट। आपको कैसे पता कि मैं सिंगल हूँ? इधर लिखा था इसलिए। नहीं, अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, पता नहीं किसने लिख दिया कि मैं सिंगर। अच्छा, इसका मतलब कोई ख्वाबों का शहजादा है आपका? नहीं, अभी वो शहजादा मिला भी नहीं है। वैसे नाराज हो गया कि मिला ही नहीं है तो नाराज कैसे होगा? अच्छा, मिले ही नहीं। हाँ, अभी मिला ही नहीं है ना। ये हमारे पास देखिए ना, एक शहजादा हमारा बैठा है। तुसी का तो सेट हो रहे ताड़ी हुई है। मैं ऑन की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आप पहले इस तरफ थोड़ा इशारा कर रहे हैं। नहीं नहीं, उधर ही है, वहाँ से ऐसे लगता है वैसे मुझे। अच्छा, कमाता भी है माशाल्लाह। अच्छा, कितना कमाता है? माशाल्लाह 33,000 तनख्वाह होगी इसकी। तो आज के दौर में आप बताएं 33,000 में क्या बनेगा? नहीं, मैं शोज भी करता हूँ ना। नहीं नहीं, ये मेरी बात सुने, ये तो ऐसे है ना कि जैसे कोई बंदा दिहाड़ी लगाते हैं उसकी कभी लगती है कभी नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कितनी होनी चाहिए तनख्वाह? जो मेरा पार्टनर होगा उसकी कितनी होनी चाहिए? यार अभी मैंने सोचा नहीं है। नहीं, मगर कुछ तो आपके जहन में होगा, आपको अंदाजन 33,000 तो सही नहीं है, तो आपने सोचा हुआ था ना कि इतनी तो नहीं हो सकती, तो कोई कितनी होनी चाहिए इसका भी कोई फिगर होगा? 4-5 लाख तो हो। 4-5 तुसी हाइट वाली शर्त कड्डो, इन्हें तो मैं कमा लेंदा। एक और भी मसला है ना, चले मैं हाइट निकाल देती हूँ। जी मुझे ना फिट चाहिए बिल्कुल, आपका पेटू शेटू तो ये दिखे। वाह, थोड़ा सा है अंदर, अंदर होना चाहिए थोड़ा। पैसा सा हो तो सब कुछ हो जाता है, वो फिट हो जाएंगे। मेरे पास एक आनी जानी चीज है। आप नहीं नहीं, लेकिन मेरे लिए तब हो तो तब उसकी फिटनेस पूरी पूरी। आपके लिए क्या हो, आपके जहन में क्या है? नहीं, तब मेरी लाइफ में बंदा आए तो वो फिट हो ना। नहीं, कितना को फिट हो, क्या कुछ बताएंगे? यार बिल्कुल फिट हो, बिल्कुल। क्या सिक्स पैक्स हो उसके? अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो। तीन हो? हाँ, इतना यानी कि 6 पैक्स या 4 पैक्स इस तरह का कोई लड़का हो, प्रॉपर जिम शिम करता हो। जी जी, ठीक। 6 महीने बाद 6 पैक्स बन गया तो ये कबूल है आपको? नहीं, तो फिर एज का भी तो इशू आता है ना। एज का इशू क्या? आपकी उम्र के? आपकी तो कितनी है? मैं तो 19 साल की हूँ ना। तो आप मुझसे 2 साल बड़ी हैं माशाल्लाह। नहीं, वैसे मुझे छोटा भी नहीं चाहिए। अब देखिए, 2 साल मैं इनसे बड़ी हूँ, मतलब मेरे से कोई 10 साल बड़ा बंदा चाहिए। अच्छा, आपसे 10 साल बड़ा हो और उसके 6 पैक्स हो और वो 5-6 लाख कमाता हो। हाँ। अच्छा, मैं आपको ना पता करके बताऊंगा कि जब ये कोई मोबाइल छीनने वाले मेरे पास आएंगे तो वही इसी एज ग्रुप में फॉल करेंगे, वरना कौन सा ऐसा लड़का है जो 28 साल के अंदर बेचारा ये सब डिमांडें पूरी कर रहा हो कि वो इतना जिम भी जाता हो कि उसके 6 पैक्स हो और वो ये डिमांड्स इतनी, इसीलिए तो अभी तक मिला भी नहीं है ना। वैसे आपने ये सोचा कि अगर उसकी भी ऐसी डिमांड्स हुई तो क्या करेंगे? किस तरह की, आप मुझे बताएं ना, ऐसी कैसी? अगर वो भी इतना स्क्रूटनाइजिंग हुआ कि ऐसी शक्ल और इतनी तालीम और ये वो, तो फिर क्या होगा? हाँ, तो वो सब है ना। अगर उसने कह दिया कि मुझे PhD चाहिए है 22 साल की एज के अंदर, कर लूंगी ना। देखें, अभी तो मैंने BS की है। अगर उन्होंने क्या कहा, छोटा चाहिए था, फिर की करोगे? तो फिर छोटे कद वाली बंदी ढूंढ ले, इसमें कौन सी बड़ी बात? नहीं, वो तो ढूंढ लेगा। आपका क्या होगा? पाकिस्तान में छोटे कद की कमी है भला। आपका क्या होगा? नहीं, मेरा क्या होगा? ये तो सब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम किसी बंदी के लिए नहीं कर रहे, तो नो नो नो, मुझे भी मिल जाएगा ना, मेरा जो आइडियल है वो मुझे मिल जाएगा। 5-6 लाख वाला? हाँ, 5-6 लाख में। उम्मीद है बड़ी, आपके कोई नजर में है वो ऐसा 28-29 साल का लड़का जो 5-6 लाख कमा रहा हो और 6 पैक भी उसने रखे हुए साइड पे?
लड़के काफी कमा रहे होंगे लेकिन सच मेरी नजर में तो कोई नहीं है, कोई नहीं है जो जिनके सिक्स पैक्स भी हों। सिक्स पैक्स भी हों। अच्छा, अगर आपको अपनी शरायत में से एक दो कम करनी पड़े तो कर लेंगे? हाँ ना, कौन कौन सी? अच्छा, मैं कौन सी कम करूंगी? अच्छा, रिपीट कीजिएगा, मैंने अभी क्या क्या बोला? आपने कहा है कि उनके सिक्स पैक्स हों, उनके पाँच छः लाख हों, छः के फिगर से आपको बहुत लगाव है इस पूरे सिचुएशन में, और आपने कहा कि उम्र उनकी सिर्फ 10 साल आपसे ज़्यादा हो, सो इसमें से आप कौन सी कम करना चाहेंगे? मैं इसमें से कम करूँगी कि चले उम्र मेरे से थोड़ी हो जाए ना, मैंने जो उम्र बताई है 10 से 8-7 साल बड़ा हो जाए। अच्छा, यानी कि 25 साल की उम्र में वो ये सब कुछ करता हो, ठीक है, मजीद इंटरेस्टिंग कर दिया उन्होंने। अच्छा, और सिक्स पैक्स बोला था ना, चलो चार हो जाए बेचारे के, दो फिर बना लेगा। चलो ठीक है, चार पैक्स बना ले। इससे ज्यादा मैं कम नहीं कर सकती, हैंडसम भी चाहिए, हाइट भी अच्छी चाहिए। नवीद भाई अब ये देखें ना, अच्छा वैसे ना नॉर्मली जो लड़कियों का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिक्स पैक्स और वो खूबसूरत और डोले शोले, और मैं ये समझता हूँ कि यानी मॉडलिंग फील्ड की जो लड़कियाँ हैं या एक्ट्रेसेस हैं, उनको एटलीस्ट या अपने बराबर का बंदा या एक या दो पॉइंट कम ही देखना चाहिए, क्योंकि जो ये डिमांड कर रही हैं वो फिर बंदा आगे उसकी तरफ भी काफ़ी नज़रें उठ रही होती हैं। सही गल, मेरा अपना एक माइंडसेट है कि लड़की को बंदे का ठीक है इनकम देखे, उसका माइंड देखना चाहिए बजाय उसकी शक्ल या सूरत देखने के, क्योंकि जो शक्ल सूरत वाले हैं वो फिर एक जगह नहीं टिकते, वो कई जगह जाते हैं। ये बात ठीक है। आ उनका भी तुसी दिल तोड़िया, उन्होंने कहा कि 30,000 का की आंदा, इतने समोसे आंदे ने उठो जा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मनाइल ये बताएं, आप वोट कास्ट करती हैं? आईडी कार्ड अभी बना है। अच्छा, करूंगी। करेंगी, और आप किसको करेंगी? ये फैसला आपने कर लिया हुआ है? नून लीग को। नून लीग को करेंगी? अच्छा, और नून लीग के आप फैन कब से हैं? होश संभाला है तब से। ठीक, और आपकी फैमिली भी नून लीग को वोट डालती होगी? या तो ये एक फैमिली का भी एक ट्रेडिशन आपका चल रहा है कि आप लोग सब नून लीग को ही? मैं तो अपनी मर्जी से मैंने उनको चूज किए। कोई खास वजह के चूज करने की उनको? महंगाई बहुत हो गई है ना, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई नहीं थी ना, बस इसलिए सिर्फ महंगाई। शॉपिंग पे जाओ, पैसों का पता ही नहीं चलता। हाय, ये बेसिकली महंगाई जो है उसने पीटीआई को महरूम कर दिया आपके वोट से। अगर महंगाई को उन्होंने फिक्स कर लिया तो फिर क्या होगा? फिर सोचा जा सकता है। सर, एक महंगाई पे लटक रहा है सारा वोट। सर, महंगाई देखिए, मैं एक बात बताऊंगा से आपको, मुझे आज से 10-12 साल पहले ना मेरे वाला साहब ने कहा था कि जो मैं हालात देख रहा हूँ ना, पाकिस्तान में एक दिन ऐसा आएगा कि अमीर अमीर तर हो जाएगा, गरीब गरीब तर हो जाएगा, मिडिल क्लास तबका खत्म हो जाएगा, और वो पोजीशन आई हुई आज। वो तो नून लीग दी हुकूमत। नहीं, मैं एक नेचर के घर से आया हूं, महंगाई एक मेन फैक्टर है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं जी अल्लाह ताला हिदायत दे, जो हमें नजर आ रहा है, हम असेंबलीज में बैठे हैं, ग्राउंड रियलिटीज में लोगों से मिल रहे हैं, कुछ अच्छा होता नजर आ नहीं रहा। तो दुआ है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी पहचान है पाकिस्तान, हमने यहाँ रहना है, हमारे आगे सब कुछ है, यानी हम आप देख लें, आप भी काफ़ी फॉरेन टूर्स करते हैं, वास्ते आपकी माशाल्लाह काफ़ी वो है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आपको दिल करता है कि यार घर जाना है। सर, मेरी दुआ है कि अगली बारी नून लीग ही आवे, लेकिन तुसी मेरा एक काम करना, फिर जिते वासे भाई बैठे थे मोटरवे बनवानी। कुछ चीज़ें लॉजिक के तहत भी की जाती हैं, यहाँ पे अंडरपास मैनेज हो सकता है। मुझे बताएं मैडम, आपने कहा कि आपको एक्टिंग का भी शौक है, जी जी। तो कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? पाकिस्तान के पूछिए, ओवरऑल जितने आप बताएं। पाकिस्तान, पाकिस्तान से मायरा खान, उसके बाद फुआद खान, सबा कमर, आजकल इकरा अजीज भी अच्छी, इकरा अजीज भी सही कर रही है। और इंटरनेशनली आपको कौन से एक्टर्स पसंद है? बॉलीवुड से मुझे दीपिका, उसके बाद प्रियंका, उसके बाद रणबीर कपूर। रणबीर कपूर आपको पसंद है, और इनमें से किन के साथ आप एक्टिंग करना चाहेंगे? मैं एक के साथ करना चाहूंगी, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर के साथ काम, बस ये फाइनल है रणबीर कपूर। और अगर पहला आप सोचे, आप एक्टिंग की दुनिया में गई और पहला प्रोजेक्ट आपको रणबीर कपूर के साथ मिल जाए, तो उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लेंगे? किससे? एक्टिंग से, उससे पहले में रणबीर कपूर हो गया ना, टिक ऑफ हो गया एकदम। नहीं नहीं, क्यों लूंगी मैं? अच्छा नहीं, उसके बाद और कुछ है जिसके साथ करनी है एक्टिंग? हाँ, मतलब इन सब में से मेल मिला के एक को मैंने चूज किया ना, कि एक रणबीर कपूर ही है बचा जिससे एक्टिंग करने का। अगर रणबीर कपूर कहे कि मैंने एक शर्त पे फिल्म करनी है आपके साथ, जी जी, उसके बाद फिर आपने एक्टिंग नहीं करनी? ओए होए, कुर्बानी मांग रहा है रणबीर। हाँ, तो मैं तो लेने के लिए तैयार हूँ। वो तैयार हैं, मतलब रणबीर कहे तो छोड़ देंगी? मैंने ये बात जो मुझे बंदा पसंद है या बंदी पसंद है, वो मुझे बोलेगा कि भाई इसके बाद तुमने ये नहीं करना,
तो मैं तो कर लूंगी, मैं नहीं करूंगी। अगर रणवीर के पीटीआई को वोट देना दे देंगे। हां वोट तो उन्होंने महंगाई पे फैसला कर लिया। ताड़ी गल रणवीर ते हट गई है सर। कौन ने मुस्तकबिल ये की करी नहीं है ऐसी बात भी है। अब देखिए मैं उसके लिए इतना बड़ा मतलब यू नो सैक्रिफाइस कर रही हूँ कि मैं अगले आगे कुछ भी एक्टिंग शेक्टिंग नहीं करूंगी। तो वोट तो एक बहुत छोटी चीज है उसके सामने। वोट आपने देना है अपने मुल्क के लिए, वो आपका करियर है। अब नहीं मेरे एक वोट से मुझे बताएं क्या होगा। ये सोच का फर्क है, वोट का फर्क नहीं। एक वोट से दोबारा गिनती जी गायब हो जाएगी। लेकिन मैं तो भाई मैं तो बात मानूंगी। आप बात मानेंगी रणबीर की? मैं मानूंगी रणबीर की बात मानेंगी बस। बाकी फवाद खान कहें तो नहीं वो बात नहीं। नहीं फवाद खान नहीं, फवाद खान नहीं, वो बात नहीं, वो बात नहीं है। रणबीर कपूर देखिए वो तो अलग है ना, आई मीन ना आप ठीक है। फवाद खान साहब आपने ट्राई नहीं करनी है, मुझे पता है इस वक्त तुम हंसरे हो गए, मगर अगर आपने ट्राई नहीं करनी है रणबीर कपूर को फैसिलिटी हासिल है। दूर दूर बैठे हुए एक दूसरे को मोबाइल पर कहते हैं खाओ ना जी। अच्छा खाओ ना जी। छोटे मियां साहब मेरी लव। अच्छा मैं कहना जी एडा मजा आया, लेकिन बड़े बोर सन। हाँ चुप चुप सन। मैं सर की गल है बड़े चुप चुप। कहने बोर हो गया यार। अब मैनू इन्होंने जेल दे विचो आजाद करके मेरी तमाम एक्टिविटीज नु हाथ कड़ियां ला दी। यानी मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? मैं सर क्यों? कहने मेरे आने तो पहले तो पीडीएम फना हो गई, जेल से बंद हो गए। वट शुड आई डू भी मैं की करा। बोरियत हो रही है। उतो कहने भी तरक्याती काम हो ही नहीं रहे। जेरा तुम वजीर लाया है तुसी तो मुराद मैंने कहते नहीं इमरान खान साहब जी जी। कोई तरक्याती काम ही नहीं कर रहा भाई। दरिया ना पुल ना सड़क, दिल धड़क धड़क खामोशी। कहते कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा की करिए की करिए की करिए। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन दे उते सबसिडी दे दी है। सबसिडी उन्होंने क्या भी स्टडी करके ते कंस्ट्रक्शन शुरू। सबसिडी सबसिडी नहीं सबसिडी। मैं क्या घटा दिते ने पैसे ने पैकेज दिता ने। बिल्कुल ठेकेदारी करने है। हाँ मैं क्या रल के ठेकेदारी करने है। आप और मियां साहब जी सर ठीक है। मकान शुरू करने है ठीक है। बड़े मजदूर ते मिस्त्री लाने है ठीक है। सवेरे उठे नाश्ता किया, जाके दो चार मिस्त्री मजदूर मुअत्तल किए, दो तीन नवे भर्ती किए। उस तो बाद उन्होंने आई नहीं आई नहीं पुराने मकान डाउन नू फिर। मैं क्या सर मौका दे रहे ने तुहानू ताकि तुसी नवे मकान बनाओ। अच्छा। नवे घर बनाओ। सबसिडी तो फायदा उठाओ। कहते ने नवे घर बनाइए। हाँ। फिर जिन्ना मर्जी पैसा लाइए। हाँ। शहजाद अकबर साहब फड़त नहीं लैणगे। मैं क्या सर किस तरह फड़ लैणगे। हाँ। वो ते मौका दे रहे ने। कहते ने यानी तू मेनू हिंट्स दे रहे है कि मैं बैरिया टाउन की तरफ से एक इतफाकिया टाउन बनावा। और मैं क्या सर पाकिस्तान हैगा जिथे इन्ने इतफाक हो रहे ने उथे ये भी सही। खुश ने इस गल ते। तू एडा सही ना ते तेनू सारे बुलांदे ने ना माशाल्लाह। जंगल च गया इनू सारे जानवरों ने घेर लिया। हाँ। ते उथे उन्हां जानवरों नू कह रहे मैनू कुछ ना कहना मैं टारजन दा वड्डा मुंडा वां। मैं नहीं सिखिया उन्हां चों किसे ने कहा सी। हां मेरा नाम ना लाया करो। ये ते छोटी जी गलती तो डिसमिस हो चले नौकरी तो। क्यों जी डिसमिस होण एवे थाने च मंजियां बिस्तरे किराए देण लग पे। पुत्र फायदे वास्ते दे रहे हैं। गर्मियां आ गईयां उहदे विचों हवा लगदी रहिंदी वाण दे विचों। सर तुसी ते कौन लोग रखे हुए बस यार क्या करूं मजबूरी है। आज कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा। हो रहा है मेहमान बैठे हुए हैं। ओ नवीद साहब पाक पतन। यस माय डियर नून लीग। यस सर मियां नवाज शरीफ साहब दे दीवाने है। अच्छा दुनिया इधर दी उधर हो जावे। ए नून लीग जो इधर उधर नहीं होंगे। अच्छा जी सर पूरा खानदान माशाल्लाह सारी जिंदगी खिदमत की अपने खानदान की। सर सारी अपनी ही फैमिली ने ना इस वास्ते ते माशाल्लाह सुने बरजाई भी हुण अगली बारी इलेक्शन लड़नगे। सर तैयार हो गए ने बरजाई ने सियासत च एमए कीता। कौन सी बरजाई? भाभी हो रही भाभी
मुझे तलाक कराऊंगे कि करूंगा ये अलग मेहमान है। अच्छा वो अलग ने जी वो सॉरी इन तैयार कोई थानेदार नहीं लाता किसी पास सर मनाहिल साहब यस टॉप मॉडलों के विचों एक नाम है। अच्छा की नाम है मनाहिल बस हालात मुल्क दे नहीं है गे वरना ऐसे ने दुनिया दे सब तो टॉप मॉडल जड़ियां ने किस मुल्क च ने किस यार मैनू की पता मैं 24 घंटे ये थोड़ी लभदा रहना मेरा काम थाने च होंदा। हां जी भाई थाने दे बारे कोई सवाल करो तो मैं हाजिर हां ते दसो की खाना पीना थाने च जिन्नियां हथकड़ियां किन्ने बेचियां मेरा तुहाडे ने नवीं चीजा ले आ रहे हैं फ्रेश बिल्कुल पुराना सामान सारा बेच के नवी हवालात बना रहे हैं सर क्योंकि अगो पीटीआई का टाइम जिस आना है तो जेल भरनी है नहीं वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी तो 2020 का आगाज करते हैं ये बताएं चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के दो सीटें हैं एक अपनी है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स की चांद से वापस आने की गारंटी नहीं है। अच्छा। कौन होगा वो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और मरियम औरंगजेब साहिबा। तलाल चौधरी ठीक है सर ये बताएं तीन नाम आपने मुझे देने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो कि अगर कभी जरूरत पड़े तो आप चाहेंगे कि ये हमारी पार्टी में हो जाएं कोई मजायका नहीं है। सो थ्री नेम्स फ्रॉम पीटीआई। आसिफ जी एक एमपीए था मेरा दोस्त भी एक कुलीग पिंडी से ओके तो अगर अच्छा लड़का है उसका ठीक है आसिफ हो गए चेयरमैन टेवटा है अली सलमान साहब ठीक है और तीसरा तैमूर वो भी लास्ट टाइम तैमूर जो तैमूर झगड़ा या तैमूर जो रावलपिंडी से जो है रावलपिंडी से वो भी हमारा कलीग है तो वो भी आ जाए वो पढ़े लिखे मुझे उनको इतना ठीक है थ्री नेम्स फ्रॉम देम ठीक है सर ये बताइए मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब बिलावल भुट्टो इनमें से किसी को भी जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे आप वो भी चेक कर लें पाकिस्तान में पहले प्राइवेट टीवी चैनल का आगाज कब किया गया नो आइडिया आप चाहेंगे सवाल वापस जाना आप मुझे क्यों वहाँ लेके जा रहे हैं क्योंकि एक फिक्स सवाल है आप देख के जान छोड़ा यहाँ पे भी जनरल नॉलेज में बेचारे जा रहे हैं आसिफ जरदारी ठीक है जी आसिफ जरदारी साहब है वो सर बताएं फिर डूबती कश्ती में है दो लाइफ जैकेट्स हैं एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ओए देखे कितना आसान आपके लिए कर मैडम ये बताएं आधी रात का वक्त शदीद बोरियत का आलम एक कॉल का बैलेंस मौजूद हुआ एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप जी जी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह जनाब उस्मान बुजदार साहब जनाब महमूद खान और जनाब जाम कमाल महमूद खान कोई खास वजह नहीं बस नाम ठीक लगा आपको पता है महमूद खान साहब कौन है हाँ वो एक्टर है ना अच्छा बूढ़े ओल्ड में आते हैं ठीक है और ये बताइए कि आपको ये अंदाजा है कि मुराद अली शाह साहब कौन है नहीं इनका नहीं उस्मान बुजदार साहब का अंदाजा नहीं जिनका मुझे आइडिया नहीं है मैंने उनका नहीं बताया ना और जाम कमाल साहब का भी आपको आइडिया नहीं है आपको सिर्फ महमूद खान साहब का आइडिया है ठीक है इसलिए आपने उनका इंतखाब किया महमूद खान एक्टर जो है जी एक लिफ्ट में आप एंटर हुई हैं उसमें तीन लोग ऑलरेडी मौजूद हैं एक के साथ आप सेल्फी लेंगी एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ठीक है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा हमायूं सईद और जनाब अली जफर तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ लेंगी आप अली जफर ठीक है स्माइल किनको दे रही हैं फहद मुस्तफ़ा ठीक है और किनको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया हमायूं सईद को कहा आपने कि आपका फ्लोर आ गया ठीक है मैडम मुझे ये बताइए मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपने अपने घर में लगानी है रोज सुबह उठेंगी आपकी नज़र उस जॉइंट साइज फ्रेम पर पड़ेगी किनका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना सनाउल्ला और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती इन दोनों में से आप किसी को भी नहीं जानती नाम आपने कभी नहीं सुना राना सनाउल्ला का या बेसिकली मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है पता है वो क्या है कि मैं बहुत से लोगों को बाय फेस जानती हूँ बाय नेम नहीं जानती ठीक है लग रहे और कोई ऐड कर दे राना साहब की वो फिल्म देखी ये नमक मेरा नहीं राना सनाउल्ला शाहिद खाकान अब्बासी और एक और नाम ऐड कर दो यूसुफ रजा गिलानी उन्हीं को कर लें बस ऐड कोई खास वजह इनको ऐड करने की गिलानी साहब को नाम अच्छा है ना
दूसरा संगलान साहब का नाम अच्छा लगा आपको, ये बताइए मैडम टाइटैनिक पर आप जा रही हैं, दो वीआईपी पास आपके पास है, एक आपका अपना है, दूसरे पर आप किसी और को लेके जा सकती हैं, जिनको टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी आप वो इनमें से कौन होंगे? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी, ठीक है, और जनाब ममनून हुसैन। ममनून हुसैन कोई खास वजह? मजबूरी। मजबूरी में एक तो वैसे आपको आइडिया है कि ममनून हुसैन कौन है? आई गेस राइटर। ठीक है, और आरिफ अलवी साहब का आइडिया है वो कौन है? आई गेस वो भी राइटर हैं। वो भी राइटर हैं। लेकिन ममनून हुसैन का मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब मुझे आइडिया है कि वो अच्छा लिखते हैं। ममनून हुसैन का आपने कोई तहरीर पढ़ी हुई उनकी? मे बी। अच्छा, और आरिफ अलवी साहब का कोई आपने पढ़ा हुआ है लिखा हुआ? नो नो, नाम सुना। ठीक है, आपने उनका एक नावल पढ़ना है, बड़ा जबरदस्त आजकल बहुत टॉप सेलर जा रहा है, उसका नाम है हाँ मैं सदर होता हूँ। हाँ मैं सदर होता हूँ। ये जवानी फिर नहीं आने के बाद उन्होंने लिखा था। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी देखकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगी? नाम ऐसे बताना जो एटलीस्ट मुझे बताओ। ठीक है, ऑप्शन आपके पास जो है वो है फवाद चौधरी, ठीक है, और वासे चौधरी, तो बताइए। फवाद चौधरी। आपको फवाद चौधरी का आइडिया है? आइडिया नहीं है, नाम उनका फवाद खान से मिलता जुलता है तो इसलिए। और वासे चौधरी का आइडिया? नो, उनका आपको आइडिया नहीं है। नहीं। ये नाम से वैसे क्या लगते हैं? नाम से ये लगते हैं कि मुझे उनको नहीं देनी चाहिए, दैट्स इट। उनको नहीं देनी चाहिए, वासे चौधरी के नाम से लगता है उनको लाइफ जैकेट, वो डिजर्व नहीं करते। और फवाद चौधरी के नाम से लगता है कि वो डिजर्व करते हैं। फवाद चौधरी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके नाम से लगता है कि आप डिजर्व करते हैं, और वासे चौधरी साहब के नाम से ही नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं। मेरा तो मानना यह है कि उनके नाम से मुझे ये लगता है कि वो ये भी डिजर्व नहीं करते जो उनके साथ हुई है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप महसूस हुए होंगे और इससे आपको एक और तकवीत मिलेगी कि तुसी कल्ले नहीं हो, सारे दे नाल बुरी हो सकती है। और मनाहिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अल्लाह कामयाब करे, और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपने कोरोना से बच के रहना है। जाते जाते मैं आपको खुशी की बात बता दूं, वासे चौधरी जी हैं। मैं क्या करूं, मेरे अम्मी अबू ने मेरा नाम रख दिया है। हाँ, बड़ा अरसा हो गया अब तो।